हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनी दीपा और स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज हम बात करेंगे ओटीजी को लेके एक बहुत कॉमन क्वेरी के बारे में और वो है कैन वी रीहीट फूड इन एन ओटीजी। ओटीजी वर्सेस माइक्रोवेव के कंपैरिजन में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओटीजी के बारे में ये कॉमन मिसकंसेप्शन है कि ओटीजी में खाना रीहीट नहीं कर सकते, पर ये सच नहीं है। विद द प्रॉपर मेजर्स एंड मेथड आप ओटीजी में खाना गर्म जरूर कर सकते हैं। हाउएवर, इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ओटीजी को हमेशा प्रीहीट करना रहता है 10-15 मिनट्स के लिए, तो इसलिए आपका टोटल खाना गर्म करने का जो टाइम है वो थोड़ा ज्यादा लगता है। तो हम देख लेते हैं ओटीजी में डिफरेंट टाइप्स का खाना कैसे गर्म करना है। तंदूरी चिकन को रीहीट करने के लिए आप इसको एक एल्यूमिनियम फॉयल में रैप करके वेयर रैक में रख दीजिए और इसको 180 डिग्री में अपर एंड लोअर रॉड ऑन करके ब्रॉयल या रोटेशनरी मोड में 10-15 मिनट्स के लिए टाइमर सेट कर दीजिए। समोसा, पफ या शमी कबाब जैसे आइटम को अगर आपको रीहीट करना है तो आप इसको अपने बेकिंग ट्रे या फिर कोई बोरोसिल का ट्रे है तो उसमें रख लीजिए। इसका टेम्परेचर होगा 150 डिग्री और इसको आप लोअर रॉड ऑन रख के 10 मिनट्स के लिए टाइमर सेट कर दीजिए। समोसा, पफ जैसे आइटम ओटीजी में बेटर रीहीट और क्रंची होता है। ग्रेवीज, करीज और स्टियर फ्राइड आइटम्स को अगर आपको रीहीट करना है तो इसको आप एक ग्लास के बॉल में या फिर एल्यूमिनियम पैन में ले लीजिए और 150 डिग्री में ओनली लोअर रॉड ऑन रख के अराउंड 15-20 मिनट्स का टाइमर सेट कर दीजिए। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम ओटीजी में खाना गर्म करने का सोच रहे हैं तो ये मेजर्स को जरूर ध्यान में रखिए और अपने ओटीजी को बेक, टोस्ट, ग्रिल के साथ खाना गर्म करने के लिए भी इस्तेमाल कीजिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और इस तरह के और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।